इतनी तेजी से लंबा और घना करेगा ये तरीका 99% लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक नए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, बालों का घना और सुंदर होना हमारे खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बेहद ही आवश्यक है। हर कोई बाल घने करने के उपचार जल्द से जल्द करना चाहता है। कुछ सामान्य कारण जो आपके बालों को घना होने से रोकते हैं, उनमें तनाव, हार्मोन का असंतुलित होना, पोषण की कमी, प्रदूषण, एलर्जी, हानिकारक उत्पादों का इस्तेमाल, बालों का ध्यान न रखना और जेनेटिक्स समस्या इत्यादि शामिल है। बालों का पतला होना एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय ही ना हो। बालों की सही ढंग से देखरेख करके और छोटे मोटे घरेलू नुस्खे आजमा कर आसानी से आप बालों को ठीक कर सकते हैं। बालों के पतले होने की चिंता आपके बालों को और भी अत्यधिक अस्वस्थ बना सकती है, इसलिए पहले चिंता छोड़ दें और आप इस तरीके को आजमाएं ताकि कम से कम समय में आप बालों को लंबा और घना कर पाएं। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल भी बालों के लिए बहुत ही कारगर होता है। इससे प्रयोग से आप अपने बालों को लंबा और घना कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप 2 प्याज का रस निकालकर सिर में लगा लें। इस रस को कम से कम 30 मिनट बाद गुनगुने पानी और शैम्पू से अपने बालों को धुल लें। ऐसा करने पर बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे। नंबर दो, दोस्तों, दही में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों की समस्याओं से बचाते हैं। दही में पाया जाने वाला एसिड बालों के रोमों को खोलकर जड़ों से मैल निकालते हैं और जड़ों का पीएच स्तर वापस लौटाने में मदद करते हैं। दही में मौजूद वसा जड़ों को पोषण देने के साथ साथ हाइड्रेट भी रखता है। अगर आपको कोई संक्रमण की समस्या है तो आप इस समस्या से बचने के लिए दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीन, दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर आंवला का सेवन करने से और आंवला पाउडर और नींबू के रस को मिलाकर लगाने से बालों में सुधार आता है। सूखने पर सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद आप अपने बालों में सीरम लगा सकती हैं। ऐसा करने पर आपके बाल धोने के बाद उलझेंगे नहीं। नंबर चार, जी हाँ दोस्तों, अंडा बालों के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि अंडा पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें कई तरह के पोषक तत्व जैसे लोहा, सल्फर, प्रोटीन, फास्फोरस, जस्ता, सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत ही कम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को पूरे पोषक तत्व मिले तो अंडे का इस्तेमाल महीने में एक बार अवश्य करें। इसके लिए आप 2 अंडे की जर्दी को और 2 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा लें। 20 मिनट तक इसे ऐसे ही बालों में लगा रहने दें, फिर शैम्पू कर लें। आप चाहें तो इस मिश्रण में आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। नंबर पाँच, दोस्तों, मेहंदी बालों के लिए रामबाण का काम करती है। इसके लिए आप मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद आप इसमें आंवले का पाउडर और अंडा मिलाकर अपने बालों में लगाएं। बालों में लगी मेहंदी के सूखने पर अपने बालों को गुनगुने पानी और शैम्पू से धुल लें। इससे आपके बालों की चमक बढ़ेगी।